श्रावस्ती जनपद में नए वर्ष पर जश्न मनाने को लेकर बाजारों में काफ़ी रौनक देखने को मिल रही है। साफ तौर से आप देख पा रहे हैं कि दुकानों पर नए वर्ष को लेकर काफ़ी रौनक देखने को मिल रही है। इस बार नया वर्ष बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसको लेकर दुकानों में काफ़ी सजावट देखने को मिल रही है। जगह जगह गिफ्टें लगी हुई है, लोग खरीदारी करने को लेकर बाज़ारों में पहुंच रहे हैं। जी, आपको बता दें, सन 2022 का खात्मा हो रहा है और नए वर्ष की आगाज हो रही है, जिसको लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी जनपद में की गई है। अतिसंवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्रों में भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। आपको बता दें कि अलग अलग क्षेत्रों में भी ड्रोन कैमरे से भी नए वर्ष पर निगरानी की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि नए वर्ष पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी और कड़े इंतजाम किए जाएंगे। आइए सुनते हैं अधिकारियों का क्या कहना। कल से नया वर्ष प्रारंभ होगा 2023, और इसमें बहुत सारे लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे। मेरी यही अपील है कि सेलिब्रेशन के समय कोविड का ध्यान रखें और भीड़ भाड़ वाले स्थलों पर दूरी बनाकर रखें, मास्क का प्रयोग करें। और नए साल के लिए मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। नववर्ष के उपलक्ष्य में आज 31 दिसंबर से ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है, QRT लगाई गई है, नारी सुरक्षा दल विशेष रूप से सक्रिय किया गया है, सादे में भी पुलिस बल लगाया गया है, कस्बा इकौना, भिनगा और श्रावस्ती में ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। मैं सभी जनपद वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और अपील करता हूं कि कोविड का ध्यान रखते हुए गाइडलाइंस का पालन करते हुए मनाएं। भैया, 22 तो फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं था, लेकिन आने वाला कल जो है हम लोग सोच रहे हैं कि ज़्यादा बेटर होगा पिछले साल की अपेक्षा। और इस साल भी दुकानदारी हम लोग लगाए हैं, शॉप लगाए हैं, लेकिन वो भी कोई बहुत खास नहीं चल रही है। ऐसा लेकिन उम्मीद कर रहे हैं, किसान परेशान है, बाढ़ भी आ गया था, आप देखे हैं, बाढ़ से खेती भी कमज़ोर हुई है किसानों की। जब किसान परेशान होगा तो सब लोग परेशान होंगे, इसीलिए थोड़ा हम लोग की दुकान पर प्रभावित हुआ है। यानी कि 22 प्रभावित था? हाँ, 22 बहुत बेकार था, लेकिन आने वाला कल जो है सोच रहे हैं कि अच्छा हो और अच्छा होना चाहिए।